इंडियन रेलवे टाइम टू टाइम पे कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन ज़रूर करता रहता है, मेंटेनेंस होते रहते हैं, जिसके कारण कुछ गाड़ियों को रद्द करना पड़ता है, कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन काम चलते रहने में ही करता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ शहडोल से, वहाँ पे पिछले साल यानी कि जून 2023 में एक अंडरब्रिज बनाना था और उस ब्रिज को तैयार करने के लिए 6 घंटे का ब्लॉक लिया गया था और उस 6 घंटे में रेलवे लाइन हटा के उस पूरे ट्रिपल 3 लाइन की लाइन थी, उस रेलवे लाइन को हटा के नीचे की मिट्टी हटा के वहाँ पे ब्लॉक रख के फिर ऊपर से रेलवे लाइन निकाल देना, दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक का ब्लॉक लिया गया था और उस ब्लॉक में पूरा काम करके शाम को 6 बजे गाड़ी दौड़ा दी गई थी। तो रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रोका नहीं जा सकता, चलते उसको चलाते रहने के साथ साथ ही काम करते रहना पड़ता है थोड़ा बहुत इफेक्ट होते हुए। ऐसे ही सेम जबलपुर मंडल, जबलपुर डिवीज़न एमपी का, जो कि बहुत बड़ा स्टेशन भी है, शायद ही इंडिया का कोई ऐसा जगह होगा वहाँ से गाड़ी ना मिलती हो, वहाँ से एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, काफ़ी सारे स्टेशन उसके अंदर आते हैं, उन्हीं स्टेशनों में से है एक कटनी मुंडवारा और दमोह बीना, ये पूरा सेक्शन है एक करीब 250-300 किलोमीटर का, वहाँ पे कुछ नॉन इंटरलॉकिंग का मेंटेनेंस कार्य होने वाला है जिसके चलते कुछ गाड़ियाँ रद्द की गई हैं, जो कि अहमदाबाद मंडल से, अहमदाबाद डिवीज़न की गाड़ियाँ हैं, वहाँ के स्टेशनों से चल के आती हैं और वेस्ट बंगाल के लिए जाती हैं, यूपी और बिहार के लिए भी जाती हैं। तो कुछ गाड़ियां हैं जो कुछ दिनों के लिए कैंसिल की गई हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने ला रहा हूं। बेसिकली कटनी मुंडवारा और बीना सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का जो मेंटेनेंस है वो कर रहे हैं। शालीमार भुज यानी कि कोलकाता का सब स्टेशन है शालीमार, वहाँ से भुज गुजरात तक जाने वाली शालीमार भुज एक्सप्रेस, जिसका नंबर है, जब वो शालीमार से चलेगी तो 22830, जब वो शालीमार से भुज चलती है और जब भुज से शालीमार आती है तो 22829, ये उसका नंबर है। शालीमार से भुज जाने वाली गाड़ी कैंसिल रहेगी 31 अगस्त को और 7 सितंबर को, ये वीकली गाड़ी है, 31 अगस्त को और 7 सितंबर को शालीमार से भुज जाने वाली गाड़ी कैंसिल रहेगी। और इसके उलट 22829 जो भुज से चल के शालीमार जाएगी वो 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर और 3 सितंबर को कैंसिल रहेगी, ये वीकली गाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो गाड़ी है जो कैंसिल रहेगी वो अहमदाबाद से पटना चलती है, ये कैंसिल रहेगी, इसका नंबर मैं बता दूं 09493 इसका नंबर है, जब ये अहमदाबाद से पटना चलती है 25 अगस्त 1 सितंबर और 8 सितंबर को कैंसिल रहेगी। उसके बाद वापसी में जब ये गाड़ी आएगी तब इसका नंबर हो जाता है 09494, जब जाता है तो 09493 है और जब पटना से वापस आएगी 09494 रहेगी। और वापसी में ये गाड़ी 27 अगस्त 3 सितंबर और 10 सितंबर को कैंसिल रहेगी। ये हो गया बिहार के लिए, शालीमार भुज जो चलती है वो वेस्ट बंगाल के लिए चलती है। और नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है अहमदाबाद से कोलकाता, ये गाड़ी का नंबर है 19413, जब ये अहमदाबाद से कोलकाता जाती है, और जब ये कोलकाता से अहमदाबाद आती है तब इसका नंबर है 19414, ये रहेगी कैंसिल 4 सितंबर को और 11 सितंबर को, जब अहमदाबाद से कोलकाता जाएगी तब ये 4 सितंबर और 11 सितंबर को कैंसिल रहेगी। और वापसी में ये कोलकाता से अहमदाबाद जब रहेगी 19414 तब ये 7 सितंबर और 14 सितंबर को कैंसिल रहेगी। ये टोटल 3 गाड़ियाँ हैं जो आने और जाने दोनों तरफ से टोटल 6 फेरे इसके इन गाड़ियों के कैंसिल रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां हैं जो डाइवर्ट होके चल रही हैं, उसका भी वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल में कभी भी आ जाएगा, बिकॉज वो कंफर्मेशन लेवल पे है। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास तभी लाता हूँ जब वो कन्फर्म हो जाती है अथॉरिटीज़ से या फिर जेन्युइन सोर्सेज से। इनका कन्फर्मेशन मेरे पास आ गया था, मेरे बाद आप इसका कन्फर्मेशन DRM अहमदाबाद और DRM जबलपुर इनके ट्विटर हैंडल से भी ले सकते हैं, ये बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये वहीं से लिया हुआ है। अब जो गाड़ियाँ डाइवर्ट हो रही हैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा, कौन कौन सी गाड़ियाँ कहाँ से डाइवर्ट होके कहाँ जा रही हैं, वो भी थोड़ा कन्फर्मेशन लेवल पे है, वो जैसे ही कन्फर्म हो जाता है मैं उसकी भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये टोटल 6 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 गाड़ियाँ हैं आना जाना मिला के 6, जिसमें से एक गाड़ी पटना जा रही है और 2 कोलकाता जा रही हैं, एक सब स्टेशन शालीमार और एक कोलकाता। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।